अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको क्या बड़े पद मिलेंगे। पद भी नहीं दिया, जो मंत्रालय दिया वो भी काट छाँट करके बहुत सीमित, उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। आप भी ये कहते हुए नजर आते थे कि पूर्वी राजस्थान की जनता ने ये विश्वास किया था कांग्रेस पर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये सहानुभूति है वो आपके लिए जताई है सचिन पायलट? वो भी किसान पुत्र थे राजेश पायलट, उनके बेटे हैं और मैं भी किसान का बेटा, तो कोई पायलट साहब के लिए मैंने कहा तो ये वास्तविकता थी कि 28 सीटों में से मात्र एक सीट बीजेपी की आई। लोग ये सोचते थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बना। उनको तो इंगित करके भेजा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे वाले मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फेस डिक्लेयर नहीं था। फेस था तो नरेंद्र मोदी जी थे, उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। तो ये बयानबाजियाँ हैं, चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं आज आपने सचिन पायलट जी का भी बयान अगर आपने सुना हो, तो जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि किरोड़ी लाल मीणा को सही विभाग उनको नहीं दिया है, जितना संघर्ष था संघर्ष का परिणाम उनको सही से नहीं मिला है। तो सहानुभूति सचिन पायलट जी भी आपके लिए जता देते हैं, और जब आप संघर्ष कर रहे थे जब विपक्ष में तब भाजपा थी, तो आप भी ये कहते हुए नजर आते थे कि पूर्वी राजस्थान की जनता ने ये विश्वास किया था कांग्रेस पर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये सहानुभूति है वो आपके लिए जताई है सचिन पायलट ने? देखो, वो भी किसान पुत्र थे राजेश पायलट, उनके बेटे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो वो कोई पायलट साहब के लिए मैंने कहा, वो ये वास्तविकता थी कि 28 सीटों में से मात्र एक सीट बीजेपी की आई। लोग ये सोचते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बनाया। उनको तो इंगित करके भेजा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे वाले मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया था। फेस था तो नरेंद्र मोदी जी थे, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया। तो ये बयानबाजियाँ हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उसमें भी मैं मिट्टी में से सोना निकाल के राज्य की जनता को दूंगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।